यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक स्टेट है कैलिफोर्निया। यहां पर एक जगह है जहां पर दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनियों का हेडक्वार्टर्स है। वो जगह है सिलिकन वैली। ये जो नाम है इसमें जो सिलिकन शब्द है इसके पीछे भी एक इतिहास है। दुनिया के पहले पहले जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग चिप बनाने वाली कंपनियां थी वो उसी जगह पर बनी थी और आगे चल के उसी के इर्द गिर्द जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो पनपने लगा। क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेसिंग चिप में इंग्रेडिएंट के तौर पे मेनली यूज होता है सेमीकंडक्टर और उसमें भी सबसे ज्यादा यूज होता है सिलिकन एज सेमीकंडक्टर, इसीलिए उस जगह का नाम सिलिकन वैली पड़ा। सिलिकन या दूसरा सेमीकंडक्टर जैसे कि जर्मेनियम, ये सारे जब प्योर फॉर्म में यूज किया जाता है उसे कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, इसे हम दो कैटेगरी में स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि है प्योर सेमीकंडक्टर। जब किसी भी सेमीकंडक्टर को प्योर फॉर्म में यूज किया जाता है तो उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलिकन जो है, प्योर सिलिकन को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, प्योर जर्मेनियम को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। वहीं पर जब इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर में, दैट मीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी जब मिलाया जाता है तो इसे कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ऑब्वियसली जैसा कि हमने बात किया ये इम्प्योर होता है, इसमें इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है। ये भी दो तरह का होता है, जैसे कि एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक हो गया एन टाइप और दूसरा हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो इस पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे कि प्योर सिलिकन, प्योर जर्मेनियम, ये जब क्रिस्टल बनाता है, सॉलिड क्रिस्टल बनाता है तो ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर बनाता है इसे हम कहते हैं डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि डायमंड का भी यही क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है? ये यहां पर जो एटम्स है, एक एक इंडिविजुअल एटम्स, ये अपने आसपास के चार एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो है वैलेंसी जो है ये चार होता है और ये चार, एक दो तीन और चार, चार नेबरिंग एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए सिलिकन जो है और जर्मेनियम, ये दोनों पीरियडिक टेबल में ग्रुप फोर में आपको मिलेगा। कार्बन भी ग्रुप फोर में मिलता है, कार्बन से डायमंड बनता है और वही डायमंड का ये स्ट्रक्चर होता है क्योंकि वो भी ग्रुप फोर में आता है लाइक सिलिकन और जर्मेनियम। तो जर्मेनियम और सिलिकन भी यही स्ट्रक्चर दिखाता है। तो हर एक एटम का जो वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स है, वो चार इलेक्ट्रॉन्स बाकी चार एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट को पूरा करता है और वो स्टेबल हो जाता है। यहां पर अगर इसी थ्री डायमेंशनल फिगर को हम टू डायमेंशनली देखें तो यहां पर इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये सारे न्यूक्लियाई है। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए मान लेते हैं ये सिलिकन हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, सिलिकन का क्रिस्टल। और यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम, सो उसका न्यूक्लियस जो है ये है और इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये और ये चार अपना इलेक्ट्रॉन है।
अब ये अपने बगल वाला ये वाला जो एटम है उसके एस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना, फिर इस वाले एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना, इस एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और इसके साथ इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हुए कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो इस तरह से इसका देखिए ऑक्टेट जो है ये पूरा हो गया और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है अपना ऑक्टेट को पूरा करने के बाद। सो ये इसका स्टेबल स्ट्रक्चर है और ये जो बॉन्ड्स है ये इंटैक्ट रहता है जब टेम्परेचर बहुत कम हो, नियरली जब 0 केल्विन हो तो ये सारे बॉन्ड्स जो है इंटैक्ट रहता है। अब जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, सो अब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 300 केल्विन, सो इस टेम्परेचर में क्या होगा, थर्मल एजिटेशन के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को कैप्चर करते हुए वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने वैलेंस शेल से या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और ये फ्री हो जाता है। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाते साथ कुछ थर्मल एजिटेशन या थर्मल एनर्जी को ये अब्सॉर्ब किया और उससे क्या हुआ कि ये फ्री हो गया। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहां से फ्री हो गया, सो ये ऐसे फ्री हो गया और यहां पर जैसे ही ये फ्री होता है वैसे ही यहां पर आप पाएंगे कि एक वैकेंसी बन जाता है, खाली जगह बन जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जब यहां पर था तो ये तो न्यूट्रल था क्योंकि यहां इसके पास जितना चार्ज है, इसके पास जितना चार्ज है उसी के इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन यहां इसके सराउंडिंग्स है। इसके लिए देखिए इसका कोरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहां है, यहां है, यहां है, यहां है और इसके कोरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां है, यहां है, यहां है, यहां। सो सारे जो है ये न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही इस रीजन से एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला जाएगा सो वहां पर होगा क्या, देखिए इस जगह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उसके कारण यहां पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज बनेगा क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन था तो ये न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से चला जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा इस रीजन में। तो यहां पर हमें दिखेगा एक पॉजिटिव चार्ज और साथ ही साथ ये जो जगह है यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है, अपना ऑक्टेट को फुलफिल कर सकता है और ये ज्यादा स्टेबल बन सकता है। सो इसमें एक प्रोबेबिलिटी है, अफिनिटी है इलेक्ट्रॉन को अक्वायर करने का, ग्रैस्प करने का, कैप्चर करने का। तो ये जो खाली जगह है इस खाली जगह को हम कहते हैं होल, खाली जगह है तो होल और ऑब्वियसली इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में ये जो होल है ये पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करेगा। जहां जहां होल होगा ऑब्वियसली वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मैं बात कर रहा हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ध्यान दें इसे याद रखें। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, क्यों निकलेगा, थर्मल एजिटेशन के कारण, थर्मल एनर्जी वो अक्वायर करके कैप्चर करके वो अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और यहां पर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो फ्री है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन बना उस फ्री इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। सो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो इस रीजन में ये अपने साथ एक नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जिस जगह पे ये जाके पहुंचेगा वहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में क्योंकि उससे पहले वो न्यूट्रल था, उस जगह में ये पहुंच गया अपने साथ नेगेटिव चार्ज कैरी किया तो उस जगह को एक नेगेटिव चार्ज का एक इन्फ्लुएंस वाला रीजन बना देगा ये। सो देखिए यहां पर यह है फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि यहां से बाहर निकला, यहां से यह बाहर निकला, सो ये बना फ्री इलेक्ट्रॉन और ये बना होल। फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा और होल जो है अपने आसपास के रीजन में पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस रखता है, पॉजिटिव चार्ज बना के रखता है। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, यह तो फ्री है, यह फ्रीली मूव कर सकता है इधर उधर थर्मल एजिटेशन के कारण, इसके पास रैंडम मोशन होता है। So, ये नेगेटिव चार्ज इधर उधर फ्लो करने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है। सिमिलरली सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं घूमता है, सिमिलरली होल भी मूव करता है।
यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि होल भाई कैसे मूव करेगा। तो होल कुछ इस तरह से मूव करता है कि यहाँ पर जो होल है इसमें तो पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है, सो ये अपने आसपास के जगह से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल के अपने जगह को भर सकता है। अगर यहाँ से थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो ये तुरंत इससे कैप्चर्ड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ये कैप्चर्ड होगा वैसे ही आप ये पाएंगे कि जो होल यहाँ पर था अब वही होल वहां से शिफ्ट करके यहाँ पर पहुंच गया है। अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना रहे तो यहां पर होल का भी मोशन रैंडम होता है, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होगा थर्मल एजिटेशन के कारण, उसके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी के कारण वो जो मूव करेगा उसके पास रैंडम मोशन होगा अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हुआ तो। लेकिन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसका जो मोशन है उसमें एक ऑर्डर दिखेगा, एक सर्टन डायरेक्शन दिखेगा, चलिए उसमें हम आगे बात करेंगे। होल के साथ भी ऐसा ही होता है, इसका भी जो मोशन है ये रैंडम है। अब यहां पर कहां से इलेक्ट्रॉन उठ के आएगा ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, ये इधर से भी आ सकता है इधर से भी आ सकता है अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब हमें ऑर्डर दिखेगा। अब चलिए ये जो है इलेक्ट्रॉन इस जगह को भर दिया तो होल तो वहां से गायब हो गया, होल तो वहां से गायब हो गया लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर एक होल बन गया। सो इस तरह से होल का भी मूवमेंट होता है और ये होल और इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए अपने साथ चार्ज को कैरी करता है तो इसे हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं। सो होल जो है होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, सो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन दोनों को हम कहते हैं चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। किसी एक सर्टन जगह पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसे हम इंडिकेट करते हैं एन ई से, और जो नंबर ऑफ होल्स इसे हम इंडिकेट करते हैं एन एच से, एन सब एच। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने होल्स बनेंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे जब जब बनेगा तब तब एक एक होल बनाएगा ये, तो ये बड़ा ही क्लियर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ होल्स के, और इसे हम इंडिकेट करते हैं एन आई से। इस एन आई को कहा जाता है इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन। तो अब तक तो हमने बात किया कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब क्या होगा, लेकिन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब क्या होगा देखते हैं। चलिए मान लेते हैं ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में बहुत सारे होल्स हैं और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या किया गया, इसे एक्सटर्नल एक वोल्टेज सोर्स से बैटरी के साथ इसे जोड़ दिया गया। तो जैसे ही इसे बैटरी के साथ जोड़ दिया गया, बैटरी का ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ऑब्वियसली यहां पर इस मटेरियल के अंदर, इस स्लैब के अंदर ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो उसे हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्टेड होगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे इधर है, यहां पर भी इधर है। सो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो उन पे जो फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा और होल्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा। क्यों करेगा होल ड्रिफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में हो
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में हो, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है सबके पास, सब पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब कि अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा इस होल को भरने का इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स का। इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, तो उस होल को भरने का प्रोबेबिलिटी उसमें कम होगा। ज्यादा प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन जो है ये होगा जो कि इस खाली जगह को भरेगा। सिमिलरली यहां पर जब खाली जगह बन जाएगा, होल बनेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे भर देगा। सिमिलरली यहां पर होल बनेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उसे भर देगा, तो यहां पर बन जाएगा होल। इस तरह से देखे, होल यहां से इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये होल्स जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि ये अपने साथ निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा, तो इसके जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के कारण एक करंट क्रिएट होगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट को माना जाता है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। इसीलिए इसीलिए करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो करंट क्रिएट होगा, जिसका कि डायरेक्शन ध्यान दे वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो इस करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन करंट, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण बन रहा है। सो करंट का आई सब ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली होल चूंकि अपने साथ पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और ये एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो ये करंट क्रिएट करेगा इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, या पॉजिटिव चार्ज अपने साथ कैरी करता है, और पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन में ही हम करंट को मानते हैं। इसीलिए ये अपने मूवमेंट के डायरेक्शन में ही करंट बनाएगा, और इस करंट को हम कहते हैं होल करंट। आई स्टैंड फॉर करंट, एच स्टैंड फॉर होल। तो यहां पर देखें, इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन और होल करंट का डायरेक्शन सेम है, भले ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। तो इसीलिए जो नेट करंट होगा, आई नेट करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट। अब यहां से आगे हम दो चीजों पर बात करेंगे, एक तो है प्रोसेस ऑफ जनरेशन और दूसरा है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, फॉर एग्जाम्पल यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, उसी तरह से चलिए एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, सो ये भी बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस में दो फ्री इलेक्ट्रॉन बना, तो ऑब्वियसली यहां पर दो दो होल्स बनेंगे, एक होल और ये दूसरा होल। ये जो प्रोसेस है फ्री इलेक्ट्रॉन और होल बनने का प्रोसेस, इसी को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ जनरेशन, प्रोसेस ऑफ जनरेशन। जनरेशन यहां पर जनरेट हो रहा है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन और होल, सो प्रोसेस ऑफ जनरेशन। जिस रेट से ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, उस रेट को कहा जाता है रेट ऑफ जनरेशन। यूनिट टाइम में जितने पेयर्स बनते हैं उसी को कहेंगे हम रेट ऑफ जनरेशन। जनरेशन तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, उसका उल्टा भी होता है। उसका उल्टा होता है इन द सेंस कि कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे जगह के किसी एक होल को जाके भर दे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी एक होल था, मान लेते हैं यहां पर एक होल था, यहां पर ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया था, जो यहां पर बना था होल, यहां पर बना था होल। हो सकता है कि रैंडमली कोई फ्री इलेक्ट्रॉन उस होल को जाके भर दे। अगर ऐसा होता है तो यहां पर मान लेते हैं कि ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहां से मूव करते हुए इस होल को भर दिया। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल जो है रिकम्बाइन हो रहा है और दोनों अपना एग्जिस्टेंस खो देता है। सो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली जिस रेट से ये रिकम्बाइन होता है उसे कहेंगे हम रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सो इसी के रेट को, यूनिट टाइम में जितना रिकम्बाइन होगा, जितना पेयर, उसे हम कहेंगे रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन।
रिकॉम्बिनेशन, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। देखिए, किसी एक सर्टन समय में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है और कुछ वहां पर जो है रिकम्बाइन कर जाता है कुछ पेयर्स। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा? जब इक्विलिब्रियम स्टेट की बात हो, सो इन इक्विलिब्रियम मतलब अगर इक्विलिब्रियम में रहे तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ होल है वो कांस्टेंट रहेगा। सो नंबर इक्विलिब्रियम में क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स आर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट रहेगा, यही होगा इक्विलिब्रियम। सो दोनों अगर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन प्रोसेस ऑफ जनरेशन और प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन दोनों अगर साइमल्टेनियसली होते जाए तो ऐसा किस स्थिति में पॉसिबल होगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स ये कांस्टेंट रहे? इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में एक सेमीकंडक्टर में एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि 6 होल्स एग्जांपल हमने लिया ये। फॉर एग्जांपल, किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में 6 होल्स है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऑब्वियसली नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और सो 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट भी हो रहा, रिकम्बाइन भी कर रहा, दोनों साइमल्टेनियसली होता है। इक्विलिब्रियम में ये जो नंबर है ये सेम रहेगा। ऐसा कब पॉसिबल होगा? अगर 6 होल और 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 पेयर्स है, तो फिर अगर ये जनरेट करें एक यूनिट टाइम में, मान लेते हैं एक पेयर जनरेट करता है, तो ये तो फिर कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये तो इक्विलिब्रियम में ही होगा, इक्विलिब्रियम में तो कांस्टेंट रहना है। सो ये तभी पॉसिबल है कि जो जनरेट करेगा जितना पेयर उतना ही पेयर रिकम्बाइन भी कर जाए। अगर एक पेयर जनरेट कर रहा है यूनिट टाइम में तो वही एक पेयर रिकम्बाइन भी कर जाए, तब जाके ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा और उसे हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसका मतलब कि दूसरे शब्दों में हम कहेंगे रेट ऑफ जनरेशन और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जब सेम होगा, दोनों बराबर होगा, तब जाके ये इक्विलिब्रियम में आएगा। सो इक्विलिब्रियम में आने का जो कंडीशन है वो ये है कि रेट ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। इस स्थिति में ये इक्विलिब्रियम में आएगा। अब अगर हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं तो हम इसे कैसे बनाएंगे? वैसे मैं आपको यहां पर बता दूं कि इससे पहले बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स पे वीडियोस बन चुके हैं और इस चैनल पे अपलोड किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो सारी वीडियोस देखा होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो आप जरूर से उन वीडियोस को देखें। आप यूट्यूब के सर्च बार में जाके लिखें बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स फॉर क्लास 12 एडू पॉइंट, आपको वो सारी वीडियोस दिख जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं जीरो केल्विन में क्या होगा, बैंड डायग्राम कैसा बनेगा। जीरो केल्विन में इसके पास कोई एनर्जी नहीं रहेगा, हमें पता है। ऐसे स्थिति में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं बनेगा। और जब सेमीकंडक्टर की बात आती है तो उसका जो वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड ये पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, कंडक्शन बैंड जो है ये पूरी तरह से खाली होता है। सो यहां पर ये इसका कंडक्शन बैंड है और ये इसका वैलेंस बैंड है। दोनों के बीच इस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस केस में क्या होगा, जितने भी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इस बैंड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इस बैंड को पूरी तरह से फिल करके रखेगा, पूरी तरह से भरा हुआ रहेगा। जो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, यहां पर हम एनर्जी लेवल चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ एनर्जी लेवल्स, ये सारे एनर्जी लेवल्स को इंडिकेट कर रहा, बहुत ज्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे, कुछ ही ड्रॉ करेंगे। और यहां पर ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल, सो ये रहा कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल। अब क्या होगा, जब हम बात करेंगे
कि जब जीरो केल्विन में, तो इसके पास तो कोई एनर्जी होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो है इन एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई करके रखेगा, इन एनर्जी लेवल्स को, और ये पूरी तरह से भरा हुआ रहेगा। सो ये सारे एनर्जी लेवल्स है, चलिए इसे एनर्जी लेवल माने, चलिए मान लेते हैं ये भी एनर्जी लेवल है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो इलेक्ट्रॉन सारे क्वांटम स्टेट्स को फुलफिल करेगा या फिल करके रखेगा। सो ये तो जीरो केल्विन की बात है। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा? ज्यादा टेम्परेचर में इसके पास जो है कुछ थर्मल एनर्जी रहेगा। सो थर्मल एनर्जी रहेगा, अब हम बात कर रहे हैं जब टेम्परेचर इज मोर देन जीरो केल्विन। सो इस सिचुएशन में जब इसके पास कुछ एनर्जी रहेगा, हीट एनर्जी रहेगा, उस स्थिति में क्या होगा? फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं। इस स्थिति में क्या होगा? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, अब इस स्थिति में जो है, चलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को भी यहां से कॉपी कर लिया जाए। सो सिचुएशन कुछ ऐसा था, अब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है, चूंकि इसके पास थर्मल एजिटेशन है, थर्मल एनर्जी है, तो उसे इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करेगा। यहां से क्या होगा? यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यहां से ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और चलिए और एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं, यहां से ये इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। सो दो फ्री इलेक्ट्रॉन और दो होल बना, यहां पर बन गया एक होल यहां पर और एक होल यहां पर बन गया। उसे हम एनर्जी बैंड डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। सो यहां से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया। सो हम कुछ इस तरह से एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। इस चैप्टर के बाकी अब आते हैं कि ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जिसे कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, इसका बिहेवियर कैसा होता है? इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल से बहुत कम होता है और इंसुलेटर से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि हम इससे एक डिजायर्ड कंपोनेंट्स बना सके, जिन कंपोनेंट्स को मिला के हम एक कंप्यूटर या फिर एक मोबाइल फोन या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बना सके। तो किसी तरह से हमें इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसे बढ़ाना होता है। और हम कैसे इसे बढ़ाते हैं? हम इसी प्योर सेमीकंडक्टर के साथ जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके साथ हम मिलाते हैं इंप्यूरिटी, इसे इंप्योर करते हैं। सो इंप्यूरिटी मिलाया जाता है, और इस इंप्यूरिटी मिलाने से जो हमें मिलता है, उसी को हम कहते हैं इंप्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो इंप्यूरिटी है, इसे जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ मिलाया जाता है, तो ये जो प्रोसेस है, इस मिलाने के प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। ये डोपिंग है क्या? डोपिंग इज अ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? जिस प्रोसेस से इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी मिलाया जाता है, इसी प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। तो अगर ये प्रोसेस डोपिंग हुआ, आप सोचिए ये डोपिंग शब्द आया कहां से होगा? ये डोपिंग शब्द डोप से आया होगा, और ये जो है जिसे हम डोप कर रहे हैं इंप्यूरिटी, इसी को डोपेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से हम डोप कर रहे हैं, तो इसे डोपेंट भी कहा जाता है। अगर इसे डोपेंट कहा जाएगा और ये प्रोसेस अगर डोपिंग होगा, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट होगा। सो डोपिंग के प्रोसेस में जो सेमीकंडक्टर हमें मिलेगा, उसे हम डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। सो डोप्ड सेमीकंडक्टर।
उसी तरह से चूंकि ये इम्प्योर होता है, इसमें इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, तो इसे इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। कुछ लोग इसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, सो इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब देखिए, ये जो इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, क्या कुछ भी इसमें मिला दिया जाता है? नहीं। इससे पहले देखिए, हमने पढ़ा था जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें हमने ये देखा था कि ये कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका कि वैलेंसी वैलेंसी 4 होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस पे बात किया था, फॉर एग्जाम्पल सिलिकन, सिलिकन एक प्योर सेमीकंडक्टर है। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, जर्मेनियम भी एक प्योर सेमीकंडक्टर है। ये दोनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के। तो जब इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी मटेरियल को मिला दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाता है, बल्कि ऐसे मटेरियल मिलाया जाता है जिनका वैलेंसी 4 के आसपास है। जैसे कि इसे भी 2 तरह से किया जाता है, एक को हम कहते हैं एन टाइप, इम्प्योरिटी एन टाइप, और दूसरे को कहा जाता है इम्प्योरिटी जो कि है पी टाइप। जब एन टाइप इम्प्योरिटी मिलाया जाता है तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब पी टाइप इम्प्योरिटी मिलाया जाता है तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब ये जो एन टाइप इम्प्योरिटी है, ये कैसा इम्प्योरिटी है, कैसा एलिमेंट मिलाया जाता है, जिसका कि वैलेंसी 5 हो, 4 से 1 ज्यादा 5। और पी टाइप कैसा है, जिसका कि वैलेंसी 3 हो, 4 से 1 कम 3। कुछ एग्जांपल, अगर हम एन टाइप मटेरियल का एग्जांपल कंसीडर करें तो जैसे कि आर्सेनिक हो गया, एक एग्जांपल इसका हो गया आर्सेनिक, आर्सेनिक। वैसे ही एंटीमोनी, फास्फोरस, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है एन टाइप मटेरियल का या एन टाइप इंप्यूरिटी का। वैसे ही पी टाइप इंप्यूरिटी जो है वो कैसा मटेरियल होगा, जिसका वैलेंसी 3 होगा। आप खुद सोचे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका वैलेंसी जो है ये 3 है। उसी तरह से बोरॉन, उसी तरह से जो है इंडियम, इंडियम भी एक अच्छा एग्जांपल है, इंडियम, उसी तरह से बोरॉन, बोरॉन। अब जब ये इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है तो इसमें होता क्या है, जो सेमीकंडक्टर है प्योर सेमीकंडक्टर जिसके साथ इम्प्यूरिटी मिलाया गया और जब वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना, तो उसका जो कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसे मिलाया जाता है बहुत कम अमाउंट में, मिलियन में कुछ पार्ट्स, सो फ्यू पार्ट्स, ये जो इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है, फ्यू पार्ट्स, फ्यू पार्ट्स इन मिलियन या पर मिलियन, पर मिलियन मतलब ऐसा मिलाया जाता है कि एक मिलियन अगर प्योर सेमीकंडक्टर एटम्स हो, उसमें कुछ ही पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटम ऐसे होंगे इंप्यूरिटी। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि ये जो एन टाइप और ये जो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसका बिहेवियर कैसा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर से। जैसे कि हमने बात किया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हम किसे कहेंगे, कि जब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्यूरिटी मिलाया जाएगा जिसका वैलेंसी 5 हो, तो उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। चलिए देखते हैं इसे बनाया कैसे जाएगा। एक क्रिस्टल मान ले, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है, ये उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह के क्रिस्टल में होता क्या है, सारे एटम्स जो है इंट्रिंसिक एलिमेंट का जो एटम है, वो अपने 4, 1, 2, 3, 4 नेबरिंग एटम्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्योंकि उसका वैलेंसी 4 होता है, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपना वो ऑक्टेट पूरा करता है और ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन जब इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है,
एन टाइप इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, मतलब कि पेंटावैलेंट एलिमेंट को इम्प्योरिटी के तौर पे मिलाया जाता है। तो एक एक एटम जो है यहां पर, ये जो इंट्रिंसिक एटम है इसे सब्स्टिट्यूट करता है, तो इम्प्योरिटी बहुत कम अमाउंट में मिलाया जाता है। तो मान लेते हैं यहां पर इम्प्योर एटम जो है वो है, ये वाला इम्प्योर एटम है। तो ये अगर इम्प्योर एटम है तो इसका तो वैलेंसी 5 है, मतलब वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और ऑक्टेट पूरा कर लेगा, लेकिन पांचवा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? तो पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पर, मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लेते हैं ये वाला पांचवा इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा ये बड़ा ही लूजली बाउंड होगा अपने न्यूक्लियस के साथ। सो ये जो है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा। कितना लूजली बाउंड होगा ये भी चलिए देख लेते हैं। अगर ये क्रिस्टल सिलिकन का हुआ तो सिलिकन क्रिस्टल के लिए ये जो पेंटावैलेंट एटम का, इम्प्योर एटम का जो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है, इसे अपने वैलेंस शेल से कंडक्शन या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत कम एनर्जी है। अगर आप कंपेयर करते हैं कि सिलिकन का, ये जो सिलिकन एटम है इसके लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बने उसके लिए कितना एनर्जी लगेगा, तो मतलब कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, तो इस प्रोसेस में यहां पर जो एनर्जी चाहिए होगा इसे फ्री करने के लिए, तो फ्री जब होगा तो यहां पर ऑब्वियसली एक होल क्रिएट होगा। सो यहां पर क्रिएट हुआ एक होल और ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। सो इस प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए होता है सिलिकन के केस में ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कंपेयर करें इसके साथ इसे। सो जो इम्प्योर एटम है उसका जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकलने के लिए, उसे फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा, लेकिन इंट्रिंसिक एटम का एक इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए इतना एनर्जी लगेगा। वहीं पर सिलिकन के जगह अगर जर्मेनियम होता, तो अगर जर्मेनियम होता तो इम्प्योर एटम का जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए होता सिर्फ इतना 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वहीं पर जर्मेनियम एटम का जो इलेक्ट्रॉन है एक, उसे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बनना होता तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगता। सो यहां भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं। सो हम ये समझ सकते हैं यहां से कि ये बहुत ज्यादा लूजली बाउंड है। कौन? ये इम्प्योर एटम का जो इलेक्ट्रॉन है। सो ये बहुत जल्दी, इस इलेक्ट्रॉन को हम बहुत जल्दी फ्री इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। थोड़ा भी एनर्जी मिला तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब इसका अफिनिटी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन बनने का काफी ज्यादा है क्योंकि ये बहुत लूजली बाउंड है। थोड़ा भी थर्मल एनर्जी लगे या थर्मल एनर्जी रहे यहां पर तो ये इसे एब्सॉर्ब करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। चूंकि ये पेंटावैलेंट एटम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसीलिए जो एन टाइप मटेरियल है या एन टाइप इंप्यूरिटी है इसे डोनर इंप्यूरिटी कहा जाता है, डोनर इंप्यूरिटी, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। वैसे देखा जाए तो सिलिकन या फिर जर्मेनियम जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका एटम भी फ्री इलेक्ट्रॉन बनाता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लेकिन उस केस में एनर्जी एक तो ज्यादा चाहिए होता है और दूसरा साथ ही साथ एक होल भी क्रिएट होता है उस केस में। होल देखें, पेंटावैलेंट जो एटम है या फिर कहें जो इंप्यूरिटी है उसके केस में होल नहीं बनता है यहां पर। हाँ, भले ही इलेक्ट्रॉन यहां से डेफिशिएंसी होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ये जो रीजन है ये रीजन सो पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, ये ठीक है, लेकिन यहां पर होल नहीं बनता, हम इसे होल नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चूंकि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए इतना एनर्जी चाहिए लेकिन इसे बाहर निकलने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, इसीलिए अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आसपास रहेगा तो इसका, इस होल को, इस जगह को भरने का टेंडेंसी जो है वो ज्यादा रहेगा, इस जगह को भर देगा और काफी ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन का इस जगह को भरने का टेंडेंसी बहुत कम रहेगा, इसीलिए इसे होल नहीं कहा जाता है। होल किसे कहते हैं हम? इस केस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल है, जो एटम है, वहां से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब जाके होल बनेगा। सो हम ये कह सकते हैं
कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन बना, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेशन अगर है इसकी बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेशन दो तरह से हो रहा है, एक तो डोनर डोनर एटम के कारण या इम्प्योर एटम के कारण, और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है इंट्रिंसिकली, इंट्रिंसिकली। सो दो तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है। तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डोनर एटम प्लस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि इंट्रिंसिकली क्रिएट हो रहा है, या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो एटम है उससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है। अब देखिए यहां पर जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मटेरियल जो है या एटम जो है उससे निकल रहा है, तो एक एक होल भी क्रिएट हो रहा है। इसके कारण होल क्रिएट नहीं हो रहा, इम्प्योर एटम का इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उसके कारण होल क्रिएट नहीं हो रहा। सो इस पूरे क्रिस्टल में जो नंबर ऑफ होल होगा, सो नंबर ऑफ होल जो है वो किसके कारण होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये होल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा इंट्रिंसिक एटम के कारण, या इंट्रिंसिक एटम ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस होल को क्रिएट करने में। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जब जब इंट्रिंसिक एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है तब तब एक एक होल क्रिएट हो रहा है, मतलब कि ये दोनों जो है ये दोनों जो है ये इक्वल है, बराबर है, मतलब नंबर ऑफ होल भी इसी के साथ बराबर है। तो हम बड़े आसानी से ये कह सकते हैं कि ये जो है ये नंबर ऑफ होल जो है ये बराबर होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि इंट्रिंसिकली क्रिएट हुआ है। अब अगर आप यहां से इसे आप ध्यान से देखें तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये जो टर्म है ये रिलेटिवली बड़ा होता है इससे। तो ये हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये नंबर ऑफ होल से ज्यादा होगा, किस केस में, एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। अब चूंकि होल जो है ये भी चार्ज कैरियर है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर है, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों ही चार्ज कैरियर है, होल भी चार्ज कैरियर है, लेकिन नंबर ऑफ होल जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है। तो यहां पर मेजॉरिटी में कौन है और माइनॉरिटी में कौन है, मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी में होल्स है। तो इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं मेजॉरिटी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये चार्ज कैरियर है ये मेजॉरिटी में है, सो इसीलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो होल्स है, होल्स इन्हें हम कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। लेकिन पी टाइप के लिए ये सिचुएशन, ये सिनेरियो बिल्कुल बदल जाएगा। एक छोटा सा और पॉइंट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा ड्यू टू डोनर एटम और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा इंट्रिंसिकली, दोनों का जो ये नंबर है ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये जो नंबर है ये डोनर एटम या डोनर इंप्यूरिटी का जो एटम है, ये जो एटम है इसका जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही लूजली बाउंड होता है, हमने इससे पहले बात किया है, बहुत लूजली बाउंड होता है। तो बहुत ही कम टेम्परेचर में, बहुत ही कम टेम्परेचर में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इंट्रिंसिक एटम देखें तो इंट्रिंसिक एटम, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बात करते हुए उस पे टॉपिक, उस टॉपिक पे बात करते हुए हमने ये देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा, तो ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा और
जो डोनर इम्प्यूरिटी वाला पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत ही कम टेम्परेचर में वो अलग हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, दैट इज नियरली 300 केल्विन, तो इस टेम्परेचर में आते आते सारे डोनर इम्प्यूरिटी वाला पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो चुका होता है। इसीलिए अब और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो और तो टूटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पहले ही वो टूट के अलग हो चुका है, वो फ्री बन चुका है। सो इसीलिए ये जो टर्म है, ये वाला, ये जो नंबर है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और ये जो टर्म है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सो ये वाला जो टर्म है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट। अब चलिए इसे एनर्जी बैंड डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसका जो वैलेंस बैंड है ये, तो ये हो गया इसका वैलेंस बैंड, और फिर इसका जो कंडक्शन बैंड है ये कंडक्शन बैंड, ये हो गया इसका कंडक्शन बैंड। बीच में जो है ये जो गैप है ये गैप होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो ये हो गया फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो फॉरबिडन एनर्जी गैप, मैं सिर्फ एनर्जी गैप लिख रहा हूं। सो एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। यहां पर देखिए, अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता तो इसका बैंड डायग्राम कुछ ऐसा होता, लेकिन यहां पर देखिए ये जो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी है इसके कारण एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत ही लूजली बाउंड है और ये बहुत जल्दी फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है। कितना एनर्जी देना होगा? बहुत ही कम, ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल हुआ तो, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर सिलिकन का क्रिस्टल हुआ तो। वो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक पतला सा बैंड बनाएगा। तो ये जो एक बैंड है ये भी एक वैलेंस बैंड है, लेकिन ये वैलेंस बैंड बाकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं है, बल्कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो कि वो पांचवा इलेक्ट्रॉन है इस इम्प्योर एटम का, उसका ये एनर्जी बैंड है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, बहुत सारे लेवल्स पे, जितने भी लेवल्स है वहां पर, जितने भी क्वांटम स्टेट्स है सबको फुलफिल कर रहा है ये वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से ये जो बैंड है जो कि वैलेंस बैंड ही है लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए है जो कि बहुत ही लूजली बाउंड है, सो वो उसका वैलेंस बैंड है। यहां पर बीच में ये जो गैप होगा ये गैप बहुत पतला होगा। कितना का होना चाहिए? अगर जर्मेनियम क्रिस्टल है तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए। तो उसी का एग्जांपल लेते हैं, चलिए सिलिकन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये गैप जो है बहुत ही छोटा है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। सो हम अभी बात कर रहे हैं कंडक्शन बैंड ये एम्प्टी है, पूरी तरह से एम्प्टी है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी होगा जब टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर 0 केल्विन में हो। सो टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन। लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो जो थर्मल एनर्जी है, ये थर्मल एनर्जी, अब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो गया, सो ये थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब करेगा और वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो सबसे पहले कौन जाएगा? सबसे पहले ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ये यहां से गायब हो जाएंगे और ये पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में। सो ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। क्या यहां पर होल क्रिएट होगा? यहां पर क्या हम होल क्रिएट करेंगे? नहीं, यहां पर होल क्रिएट नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से चला जाएगा तो यहां पर कोई होल क्रिएट नहीं होगा। सो यहां पर होल हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब एनर्जी और थोड़ा दिया गया, टेम्परेचर और बढ़ा, एनर्जी और ज्यादा बढ़ा, ये अब्सॉर्ब किया। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स उसे अब्सॉर्ब करेगा और यहां से इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे इस कंडक्शन बैंड में। तो जो जो इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, यहां पर बन गया होल। ये जो होल है, ये जो होल्स है, ये यहां के होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम एनर्जी बैंड डायग्राम बना सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। अब चलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर पे बात कर लेते हैं।
पिछले केस की तरह ही मान लेते हैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का क्रिस्टल है, यहां पर तीन वैलेंसी वाला अगर किसी एलिमेंट को इंप्यूरिटी के तौर पर मिलाया जाता है तो यह बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पर एक एटम, तीन वैलेंसी वाला एक एटम, दैट मीन इंप्यूरिटी वाला एक एटम, यहां सिलिकॉन किसी एक सिलिकॉन का जगह ले लेगा। तो मान लेते हैं इसे उसने सब्स्टिट्यूट किया, तो इसका तो वैलेंसी वाइज तीन है, तो तीन वैलेंसी है मतलब वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तीन के साथ, तीन नेबरिंग एटम्स के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लेकिन जो चौथा एटम होगा इसके साथ शेयर करने के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसका मतलब इस जगह पे ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसके पास बहुत ज्यादा एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने का, एक्वायर करने का, तो बहुत ही कम एनर्जी अगर मिले तो आसपास के किसी एक सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आ सकता है और इस जगह को भर सकता है। तो जैसे ही ऐसा होगा तो यहां पर क्रिएट होगा एक होल, एक होल क्रिएट हो जाएगा, और इसके लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होता, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर में ऐसा होल क्रिएट हुआ रहता है। सो अराउंड 300 केल्विन रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये जो है ये स्पेस भर जाता है और एक होल क्रिएट होता है। तो यहां पर देखिए जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है अगल बगल के किसी एक कोवेलेंट बॉन्ड से, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, सो इसे हम एक्सेप्टर इंप्यूरिटी कहते हैं। जैसे पिछले केस में एन टाइप को हम क्या कह रहे थे, डोनर इंप्यूरिटी, तो ये है एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, इंप्यूरिटी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस तरह से देखिए एक होल बना, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं है। अब थर्मल एजिटेशन के कारण जो इंट्रिंसिक एटम है वहां से इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को गेन करते हुए यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है, दैट मीन इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, सो यहां पर एक होल भी बना और एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी बना। तो ध्यान से सोचिए कि जो एक्सेप्टर इंप्यूरिटी है उसके कारण सिर्फ होल बन रहा है, और जो इंट्रिंसिक एटम है उसके कारण एक होल और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो अब यहां पर भी पिछले केस की तरह हम कह सकते हैं कि जो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा यहां पूरे क्रिस्टल में, ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड इंट्रिंसिकली, क्योंकि जो एक्सेप्टर इंप्यूरिटी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रखता है। लेकिन नंबर ऑफ होल्स जो है ये बराबर होगा नंबर ऑफ होल्स ड्यू टू एक्सेप्टर इंप्यूरिटी या एक्सेप्टर जो एटम है उसके कारण जो नंबर ऑफ होल्स बना प्लस नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड इंट्रिंसिकली। अब यहां भी हम ये पास पाएंगे कि ये जो दो नंबर्स हैं ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जब जब इंट्रिंसिक एटम से एक होल बनेगा तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड इंट्रिंसिकली और नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड इंट्रिंसिकली ये दोनों बराबर होंगे। तो आप यहां से ये पा सकते हैं कि जो नंबर ऑफ होल होगा उस पूरे क्रिस्टल लैटिस में ये बराबर होगा नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड बाय एक्सेप्टर इंप्यूरिटी प्लस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ये बहुत ही क्लियर है कि इस केस में नंबर ऑफ होल्स जो है ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। यहां भी पिछले केस की तरह हम ये पाते हैं कि जो नंबर ऑफ होल्स ड्यू टू एक्सेप्टर इंप्यूरिटी है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर में आते आते ये सारे जो होल्स है, जितने भी पॉसिबल होल्स है, ये सारे बन चुके होंगे, क्योंकि यहां से यहां पर जो एक खाली जगह था सो बगल वाले बॉन्ड से यहां पर इलेक्ट्रॉन आने में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है, सो बहुत ही कम टेम्परेचर में बहुत ही कम एनर्जी एक्सेप्ट करके ये ऐसा होल क्रिएट हो जाता है। सो ये जो है ये टेम्परेचर जो है इंडिपेंडेंट है, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं।
और ये जो नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड इंट्रिंसिकली है, ये तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा सिलिकन सिलिकन एटम्स के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है वहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और एक होल भी क्रिएट होगा। सो ये जो नंबर है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नंबर है। और साथ ही साथ अगर आप देखें यहां पर नंबर ऑफ होल्स जो है या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। एन टाइप में हमने देखा था इसका उल्टा हो रहा है, सो पी टाइप में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। तो यहां इस केस में जो होल्स है, होल्स को हम कहेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि ये मेजॉरिटी में है। सो ये हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप के केस में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये हो गए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब चलिए इसके लिए भी एनर्जी बैंड डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये रहा वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में बहुत बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है, सो मैं लिख देता हूं ये वैलेंस बैंड है और इसके ऊपर है कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड के बीच जो है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ईजी फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये सिलिकन के केस में अगर सिलिकन का एग्जांपल ले तो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब देखिए यहां पर कंडक्शन बैंड जो है ये पूरी तरह से खाली है और वैलेंस बैंड ये पूरी तरह से भरा हुआ है। इसका जितने भी एनर्जी लेवल्स है सब क्वांटम स्टेट्स जो है ये पूरी तरह से भरे हुए हैं। एक और एनर्जी लेवल होगा यहां पर, ये एनर्जी लेवल होगा जो एक्सेप्टर इंप्यूरिटी है उसका, यहां पर जो एक होल बन रहा था, होल सा यहां पर बन रहा था, उसके लिए एक एनर्जी लेवल होगा। सो यहां पर इस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ई ए से इसे डिनोट कर लेते हैं। यहां पर थे बहुत बहुत सारे होल्स, यहां पर जो होल्स हैं वो होल्स जो है इस लेवल पे थे। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे हमने बात किया था कि यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत कम एनर्जी अब्सॉर्ब करके ही इस जगह को भर देता है और यहां पर होल क्रिएट होता है, वहीं पर अगर इस डायग्राम में उसे रिप्रेजेंट करें तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है थोड़ा एनर्जी अब्सॉर्ब करके यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो लगभग जो एनर्जी लेवल होगा, ये वाला जो एनर्जी गैप होगा, ये सिलिकन के केस में जो होगा ये होगा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इन जगहों को भर देगा तो यहां ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, होल अब यहां पर नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला गया है तो इन जगहों पे बन जाएंगे होल्स, सो यहां पर होल्स बन गए और यहां पर अब वो सारे न्यूट्रलाइज हो गए, होल सारे इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो गए। कुछ कुछ होल इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा भी बनेगा जो कि इंट्रिंसिक एटम से निकला हुआ हो, या हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक एटम्स के बॉन्ड से निकला हुआ हो। तो उसे हम यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड से ये सीधे कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो ऐसा जब होगा तो यहां पर क्रिएट होगा एक होल और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां के एक एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। और यहां से ये बहुत क्लियर है कि देखे नंबर ऑफ होल्स जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बना सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इन दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंसेस है वो क्या क्या है, इससे क्या होगा रिविजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले रिविजन के तौर पर देख लेते हैं जो इम्प्योरिटी है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। सो एन टाइप में जो इंप्योरिटी मिलाया जाता है उसका जो वैलेंसी होता है ये वैलेंसी 5 होता है, जबकि पी टाइप में
जो इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है, यहां पर वैलेंसी जो है ये 3 होता है। और यहां इस पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो इम्प्यूरिटी होता है इसे हम डोनर इम्प्यूरिटी कहते हैं। डोनर इम्प्यूरिटी क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को। और पी टाइप को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये तो इम्प्यूरिटी के हिसाब से इन दोनों का डिफरेंस हो गया। अब चलिए जो चार्ज करियर्स है, अकॉर्डिंग टू चार्ज करियर्स, चार्ज करियर्स, इसमें इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? तो हमने ये देखा था कि पी टाइप में क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ होल से काफी ज्यादा होता है। यहां से आप समझ सकते हैं डोनर इम्प्यूरिटी है तो फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसके कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ज्यादा हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। पी टाइप में इसका उल्टा होता है। देखिए एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर घट जाता है। तो यहां पर नंबर ऑफ होल जो है ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। चार्ज करियर के हिसाब से ही एक और डिफरेंस यहीं से हम कह सकते हैं कि चूंकि यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज्यादा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इसे हम कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज करियर्स। मेजॉरिटी चार्ज करियर्स मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेजॉरिटी चार्ज करियर्स। और जो होल्स हैं उन्हें कहा जाता है माइनॉरिटी चार्ज करियर्स। सिमिलरली यहां पर जो होल्स होंगे वो हो जाएंगे मेजॉरिटी चार्ज करियर्स क्योंकि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, मेजॉरिटी चार्ज करियर्स। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हो जाएंगे माइनॉरिटी चार्ज करियर्स। तो ये तो था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब मजेदार बात ये है कि अगर एक ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के एक तरफ पी टाइप और दूसरे तरफ एन टाइप इंप्यूरिटी मिलाया जाता है तो उसमें हमें एक मैजिकल बिहेवियर दिखता है। वो करंट को एक तरफ से अलाउ करता है और दूसरे तरफ से वो उसे रोक देता है। इसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अगले वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।